हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर चल रहा था, जिसमें हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लिया था, जिसमें पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहां आपको बताते हैं कि जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ये रिजल्ट हैं क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। भाई, जब वेपर प्रेशर किसी सॉल्वेंट में, जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसी की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें एलिवेशन होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन का मतलब है गिरावट, एलिवेशन का मतलब है इंक्रीजमेंट। तो हमने कल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को जो डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी से सिमिलर एक्सप्रेशन इसके लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। जनरली आप लोग कहते हैं जब वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड फॉर्म में लिक्विड चेंज हो जाता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, लेकिन हम टेक्निकली या साइंटिफिक वे में इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आइए उसको समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब भी किसी लिक्विड का टेम्परेचर कम करते हैं तो वेपर प्रेशर भी कम होता है। इस ग्राफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इस एक्सिस पर हमने टेम्परेचर ले लिया है, इस पर वेपर प्रेशर ले लिया है। कोई आपका सॉल्वेंट है, जब उसका हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। आपको मालूम है कि टेम्परेचर कम करने से क्या होता है, वेपोराइजेशन कम होगा। वेपोराइजेशन कम होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो वेपर प्रेशर जब कम होता जाता है तो एक पोजीशन पे ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहां से आपका टेम्परेचर कम करते गए, इस पॉइंट पर आके ये सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो गया। और सॉलिड फेज में कन्वर्ट होने के बाद ये पॉइंट, मान लीजिए ए से चले बी पॉइंट पर, क्या हुआ, ये सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो गया और सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर तेजी से नीचे की ओर गिरता है। तो उसके लिए ये कर्व जो है दिखाई गई है, ये सॉलिड फेज है किसकी, सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट की ये सॉलिड फेज को दिखा रहा है। तो इस तरह से वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में रह सकती हैं, उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, यहां पे एक बात तो और समझ लीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ही होता है। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे वाटर का आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे ये बात कंफ्यूज करने की नहीं है कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को हम एक ही मान के चलेंगे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये एक ही चीज है, ठीक है ना। तो आप कहीं क्वेश्चंस में अगर फ्रीजिंग पॉइंट की जगह मेल्टिंग पॉइंट आया गया है तो आप कंफ्यूज मत होइए, वो फ्रीजिंग पॉइंट ही माना जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द टेम्परेचर एट विच, इसका डेफिनेशन देख लीजिए क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज इज कॉल्ड
फ्रीजिंग पॉइंट। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। जब सॉलिड और लिक्विड फेज किसमें रह सकती हैं? इक्विलिब्रियम में रह सकती हैं। उससे अगर जरा सा टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो लिक्विड में सॉलिड चेंज होने लगेगा, उससे कम कर दें तो फ्रीज होने लगेगा। लेकिन उस टेम्परेचर पर दोनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं तो वो टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई फ्रीजिंग पॉइंट की। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए हम इस ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कोई सॉल्वेंट था, उसका किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ए था, ए पॉइंट पे था वेपर प्रेशर, इसको यहां पे हम ये मिला सकते हैं। तो जब हमने उस सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम किया तो वेपर प्रेशर धीरे 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 कम हुआ और पॉइंट बी पर जाके वो फ्रीज हो गया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और फिर हम और टेम्परेचर डाउन करते चले गए तो उसका टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर है वो तेजी से कम हुआ। अब हमने क्या किया, उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। आप जानते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो ये सॉल्वेंट में जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर ये आ गया। अब इस सॉल्यूशन का जब हमने टेम्परेचर डाउन किया तो ये धीरे धीरे कम होता गया और पॉइंट ई पर आके ये सॉलिड फेज वाले जो कर्व है उससे आके मिल गया। तो इस पॉइंट पर आके ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। यहां हमने सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को टी नॉट एफ से डिनोट किया है, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को टी एफ से डिनोट किया है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डेल्टा टी एफ, मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कि जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, इसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे आप प्योर वाटर को फ्रीजर में रख के उसकी आइस बनाना चाहें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है। अब क्या करते हैं, आपने देखा होगा घरों में कुल्फी वगैरह बनाते हैं, तो कुल्फी वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें चीनी घोलते हैं या मिल्क मेड वगैरह मिलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो उतनी आसानी से फ्रीज नहीं होता है जितनी आसानी से वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, उतनी आसानी से वो फ्रीज कुल्फी आपकी नहीं जमती है। कारण क्या है कि उसमें आपने जो शुगर मिला दिया है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और भी आपने जो चीजें मिला दी हैं उनकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाने की वजह से उसको जमने में ज्यादा देर लगती है। तो यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है, जो सॉल्यूट डिसॉल्व करने से उनके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। अब हम इसका एक्सप्रेशन करेंगे कि डेल्टा टीएफ किस तरह से रिलेटेड है सॉल्यूट के मोल से। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है वो सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जितना सॉल्यूट ज्यादा मिलाते जाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन उतना ज्यादा होता जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऐसे डिनोट किया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपने माना है टी नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट
ऑफ सॉल्यूशन ये है टीएफ, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ विल बी इक्वल टू द टी नॉट एफ माइनस टीएफ। तो ये तो आ गया आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मोलेलिटी क्या होती है? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व हैं। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन हटा दें तो डेल्टा टी एफ इक्वल आ जाएगा के एफ इंटू मोलेलिटी। दिस इज इक्वेशन वन। ये एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा टी एफ और मोलेलिटी के बीच रिलेशन। यहां पर के एफ क्या है? हियर के एफ इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। यहां के एफ क्या डिनोट कर रहा है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है इसको आइए हम लोग समझते हैं। सपोज करिए किसी सॉल्यूशन की मोलेलिटी वन है। मोलेलिटी वन होने का मतलब क्या है? मोलेलिटी वन कब होगी? जब एक मोल सॉल्यूट वन किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया जाए तो उसकी मोलेलिटी कितनी होगी? वन होगी। एंड इफ व्हेन मोलेलिटी इज वन देन फ्रॉम इक्वेशन वन डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ। अगर हम मोलेलिटी वन रख दें यहां तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो जाएगा? के एफ के बराबर हो जाएगा। डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट उस डिप्रेशन के इक्वल होता है जब वन मोल सॉल्यूट वन किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग वन मोल सॉल्यूट इन वन किलोग्राम सॉल्वेंट। और इन अदर वर्ड्स मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हुज मोलेलिटी इज यूनिटी। मतलब जब सॉल्यूशन की मोलेलिटी कितनी है? यूनिटी है। और उस कंडीशन में उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जितना भी डिप्रेशन हो रहा होगा वो कहलाएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? केएफ से। तो ये इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे हमने बताया था कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को इलिस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, उसी तरह से मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम्स में इसको डिफाइन करने के लिए कहा गया है कि डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इस मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पर हम किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के जरिए मोलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट किया था। उसी तरह से हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से भी मोलर मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड है मोलेलिटी से, और मोलेलिटी मोलर मास से रिलेटेड होती है। तो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए भी नॉन वॉलेटाइल
नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां ये बात ध्यान देनी है, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदलना पड़ता है, उसमें वन ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसका डिस्कशन हम आगे कर चल के करेंगे। तो हम यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का यूज करते हुए हम क्या करना चाह रहे हैं, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना चाह रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो डेल्टा टी एफ है वो इक्वल है के एफ इंटू मोलैरिटी, ये अभी अभी आप देख चुके हैं। अब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, सपोज डब्ल्यू बी ग्राम सॉल्यूट जिसका मोलर मास कितना है, जिसका मोलर मास है एम बी, इसे डिसॉल्व किया गया है डब्ल्यू ए ग्राम सॉल्वेंट। आपको पता है कि बी हम हमेशा सॉल्यूट को और ए सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं, तो इसीलिए डब्ल्यू ए ग्राम सॉल्वेंट माना है, डब्ल्यू बी ग्राम क्या माना है, सॉल्यूट माना है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए है, ये ग्राम में दे रखा है, इसलिए यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये मोलैरिटी की जो वैल्यू निकल के आई है वो कहां रख दें, इक्वेशन वन में, तो यूजिंग इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में लिख लें तो ये हो जाएगा 1000 के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आ गया वो डेल्टा टी एफ के लिए आ गया है, जिसमें हम के एफ डब्ल्यू बी एम बी और डब्ल्यू ए पता होने पर डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं। अगर हमारा डेल्टा टी एफ दे रखा है और अगर मोलर मास सॉल्यूट का निकालना है तो एम बी इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ यहां आ जाएगा, तो 1000 के एफ डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ डब्ल्यू ए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरह से हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मोलर मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। अब एक बात आती है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि हाउ कैन यू से दैट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आप कैसे कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप देखिए कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मोलैरिटी पर डिपेंड कर रहा है।
डेल्टा टी एफ किसके प्रोपोर्शनल आपने पढ़ा था, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के आपने पढ़ा था। इट मींस डेल्टा टी एफ किस पर डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा टी एफ है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करने वाली ही प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट मींस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहां पर हम एक बात और आपको बताना चाहते हैं, कल हमने कुछ सॉल्वेंट्स के लिए केएफ की वैल्यूज बताई थी, तो यह देखने में आया है कि जो केएफ की वैल्यू है वो हमेशा केबी से बड़ी है। केएफ जो है वो ऑलवेज केबी से ज्यादा निकल के आता है, जहां भी वैल्यू दी हो केएफ और केबी की। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमेशा याद रखिए किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए के एफ की वैल्यू जो है वो केबी से ज्यादा होती है। जैसे हम कुछ सॉल्वेंट ले लें, उनके लिए कल हमने केबी की वैल्यू भी आपको बताई थी, ठीक है ना। सॉल्वेंट हमने सबसे पहले आपका कल लिया था वाटर, वाटर H2O होता है, और इसके लिए हमने केबी की वैल्यू कितनी बताई थी, 0.52। यूनिट हम देख चुके हैं, यूनिट दोनों की एक ही होती है, यूनिट केएफ की। अगर हम यूनिट यहां पे देखना चाहें तो आपने डेल्टा टीएफ इक्वल क्या पढ़ा है, केएफ इनटू मोलैलिटी। तो केएफ इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ अपॉन मोलैलिटी। अब हम यूनिट ट्रैप की निकालना चाहें, यूनिट ऑफ केएफ, तो यूनिट केएफ की किस पे डिपेंड करेगी, ये टेम्परेचर डिफरेंस पर और मोलैलिटी पर। टेम्परेचर हम किस में डिनोट करते हैं, जनरली केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में, और मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर केजी। तो यहां मोल पर केजी, तो केजी ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा केजी मोल इनवर्स, ये आ गई यूनिट ऑफ के। यही यूनिट कल हमने निकाली थी किसके लिए, केबी के लिए। तो इन दोनों की ही यूनिट सेम होती है, केजी मोल इनवर्स। और अगर टेम्परेचर डिग्री में लिया जाए तो इसको डिग्री एम इनवर्स, एम का मतलब मोलैलिटी, मोलल इनवर्स। इस तरह से ये यूनिट आपकी दोनों के लिए यूज हो सकती है। तो हमने कल जो है वाटर के लिए केवी की वैल्यू कितनी देखी थी, 0.52 है, लेकिन केएफ की वैल्यू वाटर के लिए होती है 1.86। तो आप क्या देख रहे हैं कि केवी की वैल्यू से केएफ की वैल्यू ज्यादा है। ऐसे ही बेंजीन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन, बेंजीन C6H6। कल हमने आपको बेंजीन के लिए इसकी केवी की वैल्यू 2.53 बनाई थी, और ये आपका वैल्यू होता है 5. केएफ की वैल्यू होती है 5.12। तो यहां देख रहे हैं बेंजीन के लिए भी केएफ की वैल्यू केबी की वैल्यू से ज्यादा है। एथेनॉल, तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं, एथेनॉल C2H5OH, एथिल एल्कोहल एथेनॉल एक ही बात है। तो इसके लिए हमने 1.20 वैल्यू देखी थी केबी की, लेकिन केएफ की वैल्यू कितनी है, 1.99। ऐसे ही हमने कल क्लोरोफॉर्म CHCl3 ट्राईक्लोरोमेथेन और क्लोरोफॉर्म, इसके लिए केवी की वैल्यू कितनी देखी थी, 3.63, लेकिन जो केएफ की वैल्यू है इसके लिए ज्यादा होती है, वो है 4.70। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो केएफ है वो हमेशा केबी से ज्यादा निकल के आता है।
के एफ की वैल्यू। अब ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में दी होती हैं, लेकिन समझने के लिए ये आपको बताया कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अगर हम एक मोल सॉल्यूट डिसॉल्व करें तो जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा वो इतना होगा और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में होगा वो इतना होगा। ऐसे ही अगर हम बेंजीन में कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन इतना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इतना होगा। तो ये आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका कंपैरिजन करके आपको बताया। यहां पे एक कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि हमने जब फ्रीजिंग पॉइंट बताया था तब ये बताया था कि कोई सॉल्वेंट का जब हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो कभी कभी मन में ये क्वेश्चन आता है कि सॉल्वेंट का तो वेपराइजेशन होता है, सॉलिड का होता है कि नहीं। आपने देखा होगा कि आइस जब रखी होती है तो उसमें से कुछ वेपर्स निकलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो जिसको हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं, तो डायरेक्ट उसमें वेपर में बदल रहा होता है। हालांकि उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है सॉलिड फेज का, लेकिन कुछ न कुछ होता है। तो यहां पे ये बात में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाता है या जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और वेपर लिक्विड फेज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। थोड़ा सा मुझे ध्यान आ गया कि इस बात में कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये तो बात रही आपके कॉन्स्टेंट्स की, एवेलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट्स की और आपके क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट की। अब हम कुछ एप्लीकेशन जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के हैं उनको हम देखते हैं। देखिए आपके डेली लाइफ में डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के कई एप्लीकेशन हैं। जैसे पहला एप्लीकेशन देखिए क्या है, एप्लीकेशंस इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने में, ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो कार्स हैं और जो मोटर व्हीकल्स हैं इनमें क्या होता है, एक आपका रेफ्रिजरेशन के लिए इसमें कूलेंट डाला जाता है, एक लिक्विड डाला जाता है। पानी भी आपने देखा होगा, रेडिएटर होता है आगे की तरफ, उसमें आपने देखा होगा बसों पे कभी आपने जर्नी की हो तो देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में बस के सामने जो है आगे का वो खिड़की खोल के उस पर पानी वानी मारते हैं उसे ठंडा रखने के लिए। तो वो क्या होता है, एक रेडिएटर होता है, उसमें पतली पतली कॉपर की जालियां होती हैं और उसमें एक लिक्विड सर्कुलेट करता है। लोग पानी भी डाल लेते हैं लेकिन पानी नहीं, उसकी जगह क्या हम एक कूलेंट यूज करते हैं और उसमें क्या होता है, वाटर में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकोल है। तो एथिलीन ग्लाइकोल किसमें मिलाया जाता है, वाटर में मिलाया के ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में बनाया जाता है। तो इसका क्या काम है, ये क्या करता है कि अगर हम कारों को बहुत ठंडे वेदर वाले कंट्रीज में यूज करेंगे तो क्या होगा कि रेडिएटर में पानी अगर यूज करेंगे तो वो जम जाएगा, और आपको मालूम है कि वाटर जब फ्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, रेडिएटर के अंदर जो कॉपर की नलियां हैं वो फट सकती हैं। दूसरा ये है कि जब आपने इंजन स्टार्ट किया तो इंजन स्टार्ट होने पर वो वाटर पूरे उसमें इंजन के चारों ओर सर्कुलेट करता है जिससे इंजन ठंडा होता है, लेकिन जब वो वाटर फ्रीज हो गया होगा तो उस जब तक मेल्ट होगा तब तक इंजन बिना सर्कुलेशन वाटर के सर्कुलेशन के चलेगा और वो इंजन सीज भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है।
तो वाटर उसमें फ्रीज न हो जाए इसके लिए उसमें एंटी फ्रीज सॉल्यूशन मिलाया जाता है, एंटी फ्रीज मिलाया जाता है। तो एंटी फ्रीज क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। एथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज विच डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ड्यू टू विच वाटर डू नॉट फ्रीज इन रेडिएटर। तो इस तरह से वो वाटर को फ्रीज होने से रोकती है। दूसरा ये इसका एक फायदा गर्मियों में भी है कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। तो उससे क्या होता है, वाटर हाई टेम्परेचर पर बॉइल होता है तो उसमें बहुत ज्यादा वेपर्स नहीं बनती है। कभी कभी देखा होगा जो लोग पानी रेडिएटर में यूज करते हैं, गर्मियों में पानी बुरी तरह से खोल जाता है, उससे जैसे ही उसका ढक्कन खोलते हैं बड़ी तेजी से वेपर्स बाहर निकलती हैं। लेकिन अगर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन उसमें होगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो इस तरह से बहुत ज्यादा उसमें वेपर्स नहीं बनेंगी, तो ओवर बॉइल होने से भी रोकता है और फ्रीज होने से भी रोकता है। तो ये यूज है आपके एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस का। दूसरा, इन मेल्टिंग आइस ऑन रोड्स। देखिए जिन कंट्रीज में बहुत ज्यादा कोल्ड होता है तो उन कंट्रीज में क्या होता है कि रोड्स पर बर्फ जम जाती है, तो उस बर्फ को पे गाड़ियां चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको मेल्ट करने के लिए उस पर आपका कॉमन सॉल्ट NaCl, NaCl कॉमन सॉल्ट और CaCl2, ये दो एंटी फ्रीज स्प्रेड किए जाते हैं, उस पर छिड़के जाते हैं। इससे क्या होगा, NaCl और आपका CaCl2 ये दोनों ही वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कितना कम कर देते हैं, ये नमक जो है -21 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीजिंग पॉइंट ले जाता है। वैसे होता कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से कितना कर देता है, -21। तो इसका मतलब क्या है कि अगर -8, -10 या -15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया है तब भी वो पानी नहीं जमेगा। तो इस तरह से ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट का वर्क करता है और उसमें जो बर्फ है वो पिघल जाती है। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड ये -55 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर देता है। तो बहुत ज्यादा अगर सर्दी पड़ रही है तो वहां पर CaCl2 ये फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करने के लिए रोड्स पर स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे उस पर बर्फ आसानी से नहीं जमेगी। एक और हम आपको डेली लाइफ में एग्जांपल बताते हैं। आपने देखा होगा ये जो लोग कुल्फी जमाने वाले हैं वो एक फ्रीजिंग मिक्सर रखते हैं, वो कुल्फी वाला जो पॉट होता है वो बीच में होता है, उसके चारों ओर नमक और बर्फ का मिक्सर रखते हैं। अब आप कहेंगे ये क्यों रखते हैं, देखिए आपका पानी तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कुल्फी मान लीजिए -10 पे आपकी जमनी है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है और बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, ज्यादा है, तो उसमें कुल्फी आसानी से नहीं जमेगी। जब हम उसमें नमक मिला देते हैं तो वो बर्फ का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन हो जाता है, मतलब वो और ज्यादा ठंडा मिक्सर हो सकता है। तो उस मिक्सर में फिर जब हम कुल्फी को जमाना चाहेंगे तो वो आसानी से जम जाएगी। तो आपको डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इन साइंस की उनसे रिलेटेड हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है ऐसा क्यों होता है। तो ये सारा जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के एप्लीकेशंस थे जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। अब चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारा डिपेंड कर रहा है किस पर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम, उसको देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 2.10, इस एग्जांपल को देखिए। एग्जांपल है 2.10,
ये कह रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट किसमें डिजॉल्व किया गया है, 50 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व किया गया है। तो डब्ल्यू बी इक्वल कितना है, 1 ग्राम। डब्ल्यू ए सॉल्वेंट कितना है, 50 ग्राम। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। इसमें कह रहे हैं कि डेल्टा टीएफ में की वैल्यू कितनी है, 0.40 केल्विन है, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ बेंजीन के लिए दे रखा है 5.12 केजी मोल इनवर्स। आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अभी अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MV इक्वल 1000 के एफ डब्ल्यू वी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये वैल्यू 1000, के एफ की वैल्यू 5.12, डब्ल्यू वी आपका दे रखा है 1 ग्राम, डेल्टा टी एफ की वैल्यू रखी है 0.40, और डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 50 ग्राम। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहां पर निकल आकर के आएगा 256 ग्राम मोल इनवर्स। इस तरह से हम ये सीधे सीधे फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती हैं जनरली, और उनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल 2.9, इसको आप सेल्फ सॉल्व करके देखिए। और एक आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और रह गई है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका थोड़ा सा डिटेल में है, तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सारी चीजें इस टॉपिक में आएंगी, तो इसको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।